नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो अब युवाओं के लिए एक मौज मस्ती का अड्डा बनती जा रही है। शायद ये बात आपको सच नहीं लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इस मौज मस्ती की बानगी आप कुछ दिनों पहले ही देख चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसमें कुछ युवाओं ने मेट्रो और मेट्रो परिसर में किस तरह से अश्लीलता फैला रखी है। एक ओर मेट्रो रेल दिल्ली परिवहन की लाइफलाइन बन चुकी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के युवाओं की मौज मस्ती के लिए काफी चर्चा में रहती है। मेट्रो में युवाओं की मौज मस्ती के दौरान अश्लीलता करने के वीडियो कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन दिल्ली के कुछ युवा जोड़े मौज मस्ती के लिए आज भी मेट्रो रेल और मेट्रो परिसर को अपनी पसंदीदा जगहों में से एक मानते हैं। पहले दिल्ली के बुद्धा गार्डन और कमला नेहरू गार्डन युवाओं की अश्लीलता के लिए काफी चर्चा में रहता था, लेकिन मेट्रो रेल में हो रही हरकतों से लोग इन जगहों का नाम भी भूल गए हैं। अलग अलग मेट्रो की रेल लाइन पर पड़ने वाले अधिकतर मेट्रो स्टेशन पर ऐसे दृश्य आमतौर पर देखे जा सकते हैं। कभी भरी मेट्रो में बेशर्मी से युवा प्रेमी जोड़े देखिए कैसे हरकतें कर रहे हैं। कहे तो कुछ प्रेमी देर रात में एकांत वाली मेट्रो का इंतजार करते हैं कि मेट्रो कोच में कम से कम लोग हों, ताकि वे बेफिक्र होकर प्रेम की रासलीला को रचा सकें। मेट्रो रेल कमाई के मामले में करोड़ों कमाने में लगी है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मेट्रो प्रशासन ने कोच में कोई भी स्टाफ नियुक्त नहीं किया है। तभी तो प्रेमी जोड़े बेझिझक अश्लीलता करते दिखाई देते हैं। लगता है मेट्रो रेल प्रशासन को भी अपने सीसीटीवी कैमरे में देखने में मजा आता है। तभी तो मेट्रो के सबसे ज्यादा व्यस्तम स्टेशन राजीव चौक पर मेट्रो के द्वारा लगाई गई बड़ी एलसीडी स्क्रीन पर पॉर्न फिल्म चलती दिखाई दी, जिसने दिल्ली में मेट्रो की छवि को धूमिल कर दिया। मेट्रो ने अपनी गलती सुधारने की जगह इसमें भी दोष दूसरों पर ही मढ़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन न्यूज़।